मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ये मैंने खुद से बनाई एक छोटी स्टोरी है एक्टिव पैसिव सीखने के लिए। ये तीन स्टूडेंट उनके नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक का नाम पास इंडेफिनिट, तीसरे स्टूडेंट का क्या नाम है फ्यूचर। तीनों एक बेंच पे बैठे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हक में मांग के ले आता है, इज अ मान। पास्ट कंटीन्यूअस जो है वो दे देता है पास्ट इंडेफिनिट को, यानी पास्ट इंडेफिनिट उनसे मांग के ले आता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटीन्यूअस के हक में ले आता है। कोई जहां का कोई सेंटेंस आ जाए जिसका पैसिव ना, उसका एक ही फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट helping or third form vice versa। Bismillahirrahmanirrahim। Assalamu alaikum dear students, how are you? आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एनी आइडिया? वो सेंटेंसेस जिसमें एक्टिव मींस चुस्त, जो काम कर रहा है दैट इज एक्टिव, जो चीज काम पे लगी हुई है दैट्स एक्टिव। तो जब हम सब्जेक्ट को ये शो करते हैं सब्जेक्ट काम कर रहा है तो दैट इज एक्टिव। पैसिव मीन खामोश, सोया हुआ, सुस्त, पैसिव मीन, ठीक है। तो जहां पे हम सब्जेक्ट को पैसिव, सब्जेक्ट को उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसका कोई जिक्र आए या ना आए वो नहीं। जैसे हम कहते हैं, एक दफा हम कहते हैं कि हम वालिदैन की इज्जत करते हैं, यहाँ पे काम करने वाले कौन है, सब्जेक्ट क्या है, हम। और दूसरे नाम कहते हैं वालिदैन की इज्जत की जाती है, वालिदैन की इज्जत होनी चाहिए, यहाँ पे कौन करने वाला, सब्जेक्ट कौन है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। वहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, पैसिव हो गया। कमरों को रंग किया जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे, कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ गया, इसको पैसिव कर दिया गया, ठीक है। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, काम कर रहा होता है, और पैसिव में सब्जेक्ट को पैसिव कर दिया जाता है, खामोश कर दिया जाता है, ठीक है। और वहां पे हम सेंटेंस शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। पहले हम, अच्छा उसके बाद ये है कि जो सिर्फ हमने नौ टेंसेज हैं, इंडेफिनिट के तीनों, कंटिन्यूअस के तीनों, परफेक्ट के तीनों, इनकी हम पैसिव बनाएंगे, जो लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके पैसिव नहीं बनाते। पहले हम एक सेंटेंस, बेस सेंटेंस लेंगे, जो हम हर टेंस पे उसका एक एक्टिव सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर उसका पैसिव बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास सेंटेंस है, अली प्लेज क्रिकेट, ओके। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे होगा ये, अली प्लेड क्रिकेट, प्लेड सेकंड फॉर्म। ये जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं उनके लिए पैसिव जो है वो तो सिर्फ आधा एक घंटा भी लगता है पैसिव समझने में, लेकिन उसके लिए पहले आपको टेंसेस आने चाहिए। मैं किसी ऐसे लेक्चर में आपको वो भी सिखाऊंगा उन बच्चों को जिनको टेंसेस ना भी आते हो तब भी वो एक्टिव पैसिव सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी टेंसेस आना जरूरी है, सीखने फिर भी चाहिए आपको। अली प्लेज क्रिकेट, अली प्लेड क्रिकेट, और फ्यूचर में कैसे होगा, ऑन अली विल प्ले, अली will play cricket, these are continuous mein, Ali is playing, Ali is playing cricket, in aaya continuous mein, past continuous mein, Ali was playing cricket. Playing cricket. अली बान आपको पता है फ्यूचर कंटीन्यूअस में कैसे होगा, अली शैल बी या विल बी में से कुछ एक, तो अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अली जारा प्रेजेंट परफेक्ट में, अली Ali has played cricket on past perfect में, Ali had played present के अभी हम has और past के Ali had played,
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं? विल हैव एंड शैल हैव. अली विल हैव प्लेड क्रिकेट. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लेज, पास्ट इंडेफिनिट में प्लेड, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, is am are playing, was were playing, will be shall be playing, has have played, had played, will have shall have played. तो ये हो गया हमारा active voice in non tenses के. अब हमने इनके passive बनाने हैं. Passive का सिर्फ एक ही formula है, एक ही sentence है जो कि नौ के लिए हम उसको एक ही sentence से नौ के नौ बनेंगे. सिर्फ change क्या करेंगे वो हम देखते हैं अभी. सबसे पहले हम लिखते हैं object. पैसिव बनाते हुए सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट. यहां पे हम जगह छोड़ दें हेल्पिंग वर्ब के लिए. उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म. क्या आएगी? थर्ड फॉर्म. प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड. और यहां पे बाय सब्जेक्ट, बाय लिख के सब्जेक्ट को यहां लिख देना, बाय अली. क्रिकेट डैश प्लेड बाय अली. और नौ के नौ टेंसेस के अंदर यही होगा, क्रिकेट प्लेड बाय अली. इनाया कैसे होगा? जल्दी बोले बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपका. क्रिकेट क्रिकेट डैश प्लेड बाय अली. क्रिकेट डैश प्लेड बाय अली. ऑन कैसे होगा इस अगले में? क्रिकेट डैश प्लेड सॉरी 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 यस क्रिकेट डैश थर्ड फॉर्म बाय अली प्लेड बाय. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट. ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट. चार चीजें हैं. सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट. हर दुनिया जहान में जब भी आपको पैसिव बनाने के कह दिया जाए, इसके अलावा मॉडल वर्ब जो होते हैं उनके पैसिव भी बनते हैं, उनका भी फॉर्मूला यही है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट. ठीक है, ये देखें जी, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ेंगे, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अली, क्रिकेट डैश प्ले थर्ड फॉर्म यानी बाय अली, क्रिकेट डैश प्लेड बाय अली, क्रिकेट डैश प्लेड बाय अली, क्रिकेट डैश प्लेड बाय बाय अली. तो नौ के नौ टेंसेस के लिए एक ही फिक्रा है. यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ आ गई होगी. ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट. तो जब भी आपको पैसिव बनाने की कहा जाए तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, आगे हेल्पिंग वर्ब छोड़ देनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी और बाय सब्जेक्ट लिखते हैं. अब मेन कहानी जो है वो आती है हेल्पिंग वर्ब सीखने की. हेल्पिंग वर्ब कहां से आ रहे हैं? ठीक है, उसके लिए आपको जो एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो याद रखने हैं. एक्टिव वॉइस के एक्टिव के जो एक्टिव फिक्रों के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं अगर वो आपको याद है तो पैसिव आपको इजीली आप उसको पुट कर लेंगे. यहां मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं. ये मैंने खुद से बनाई एक छोटी स्टोरी है एक्टिव पैसिव सीखने के लिए. टीचर इनडेफिनिट को कहती है कि आपने सुबह पैसिव बना के लेके आने हैं. किसे कहती है? इनडेफिनिट को. इनडेफिनिट तीन इनडेफिनिट हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर. ये तीन स्टूडेंट उनके नाम है. एक स्टूडेंट का नाम है प्रेजेंट इनडेफिनिट, एक का नाम पास्ट इनडेफिनिट, तीसरे स्टूडेंट का क्या नाम है? फ्यूचर. तीनों एक बेंच पे बैठे होते हैं, बैक बेंचेस जैसे होते हैं ना, नलायक से उस तरह के. टीचर उन्हें कहती है कि सुबह तुम लोगों ने ये, उन्हें फॉर्मूला बता देती है कि यहाँ पे ये आना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना, और हेल्पिंग वर्ब जगह छोड़ देती है कि आपने सुबह हेल्पिंग वर्ब पुट करके लेके आने हैं. अब वो क्या करते हैं? वो जैसे अक्सर बच्चे करते ना, सुबह घर से काम करके नहीं आना, सुबह स्कूल में आके साथ वाले का देख के लिख लुख लेना. तो वो कहते हैं कोई नहीं, खैर है, जब पड़ेगी सर पे देख लेंगे.
वो जाते हैं कंटिन्यूअस के पास, किसके पास जाते हैं? कंटिन्यूअस के पास जा कहते हैं जी हमने, टीचर ने हमें सुबह काम दिया है, हमने पैसे बना के लेके जाने हैं, तो मेहरबानी करो अपने जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स को हमें दे दे, ठीक है? तो जो एक्टिव जो कंटिन्यूअस है वो थोड़ा बड़े दिल का मालिक होता है, वो कहता खैर ले जो देखी जाएगी, और पढ़ने वाला जहीन बच्चा होता है कहता मैं कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। प्रेजेंट इनडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्प में मांग के ले आता है, इज अ मान। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो दे देता है पास्ट इनडेफिनिट को, यानी पास्ट इनडेफिनिट उनसे मांग के ले आता है, और फ्यूचर इनडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्प में ले आता है। अब यहां पे कौन से हेल्प में आ जाएंगे? इज एम आर, क्योंकि इसके इज एम आर होते हैं। इसके कौन से हेल्प में है? वाज वर, यहां पे वाज या वर में से कुछ आ जाएगा। इसके हेल्प में क्या थे? और वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप क्रिकेट इज, यहाँ पे आ गया क्रिकेट इज, यहाँ पे क्या आ गया? क्रिकेट वॉज, यहाँ पे क्या आ गया? क्रिकेट विल बी। यहां तक समझ आई? एक बेसिकर था ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, सिर्फ ऐड क्या करना था उसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां से आए? तीनों इंडेफिनिट ने कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब मांग लिए। अब अगले दिन टीचर ने काम दिया कंटिन्यूअस को कि बच्चों आज तुम लोगों को उनको कहती वेल डन शाबाश बहुत अच्छे आप बना लाए हो, आज बारी आ गई कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस वाले कहते जी हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे, जो भी करना हमने अपना खुद करना है, ठीक है? तो वो चूंकि मैंने पहले बताया आज पढ़ने वाले थे, उन्होंने अपने साथ अपने ही हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक लफ्ज ऐड कर दिया बीइंग, बी ई आई एन जी। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो बन गए इज बीइंग, यानी एक्टिव में वही रहेंगे, पैसिव में जाके वो बन जाएंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। यहां क्या बन गए? वाज बीइंग एंड वर बीइंग। यहां से कुछ बुक्स कहती हैं जी आपने इसका पैसिव नहीं बनाना, बहुत सारी बुक्स कहना शुरू हो गई है, तो आप वैसे बन जाता है पैसिव इसका होता है, जैसे हम कहते हैं हमारा इंतजार हो रहा होगा, हमारा इंतजार हो रहा होगा, हमारी गाड़ी मरम्मत हो रही होगी, इसका पैसिव बनाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग, वो भी लगा देंगे। अगर आमतौर पेपर्स में ये नहीं आता तो यहाँ पे इस के साथ क्या इजाफा किया उसने? बी ई आई एन जी। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? वॉज बीइंग। यहाँ पे क्या किया? विल बी बीइंग। तीनों इंडेफिनिट क्या किया था इनाया? तीनों इनडेफिनिट ने क्या किया था? वो मांगने चले गए थे अपने हमसायों से कंटिन्यूअस, अपने हमसाये से जाके हेल्प में मांग लाए थे। जब कंटिन्यूअस की बारी आई तो कंटिन्यूअस ने क्या किया? अपने साथ बीइंग का इजाफा कर दिया। अब बारी आ गई परफेक्ट की। परफेक्ट वाले जो थे वो भी इनडेफिनिट जैसे हैं, परफेक्ट वाले भी क्या हैं? वो कहते हैं यार हमें क्या जरूरत है, जब सर पे पड़ेगी देखी जाएगी, अब सुबह करना है। वो क्या करते हैं? वो जाते हैं अपने से अगले टेंस के पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास। वो कहते हैं इंडेफिनिट वालों ने भी कंटिन्यूअस से मांगे थे, कहते हैं हम परफेक्ट वाले हम भी कंटिन्यूअस से मांगेंगे। या वो जाके किससे मांगते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज बीन एंड हैव बीन। तो यहाँ पे वो इधर आ गए हैज बीन, यहाँ पे आ गया had been, और यहाँ पे आ गया will have been, will have उसके will have been। तो ये है active passive। ऐसे ही लगता है कि active passive बहुत की बड़ी बात है, active passive बहुत आसान है। आखिरी व्यू देखते हैं, active से passive ज्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें form नहीं याद रखनी, form हमेशा third form ही आनी है, ठीक है? change सिर्फ क्या होने हैं? helping verb। तो तीनों इंडेफिनिट कहां से हेल्प वर्ब्स लेके आते हैं? कंटिन्यूअस से। कंटिन्यूअस वाले क्या करते हैं? अपने ही के साथ बीइंग का इजाफा शाबाश। परफेक्ट कहां से लेके आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो ये बेटे आपका, ये है बिगनर, ये उन लोगों के लिए जिनको टेंसेस आते हैं, और ये एक रेफरेंस के लिए ये है। बाकी ये है कि इसके मजीद आगे इसकी प्रैक्टिस चाहिए कि इंटरोगेटिव कैसे करने हैं, डब्ल्यूएच वाले कैसे करने हैं, या आगे लेट वाले फिक्री होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे, फिर वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको वन बाय वन उसकी डिटेल वीडियोस हम उसपे डिस्कस करेंगे। आज ये था कि एक नजर में इन वन ग्लास आप तमाम एक्टिव पैसिव कैसे देख सकते हैं, समझ आई? जी। चलें, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं या जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उसको कैसे डिस्कस करना फिर वो करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।